दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन में अलार्म सेट करते हैं। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो सबसे पहले हम अपने फ़ोन में अलार्म टैप को या क्लॉक टैप को ओपन करेंगे। क्लॉक टैप को हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पर जो हमने ऑलरेडी अलार्म रन किए हुए हैं वो अलार्म यहाँ पर शो होंगे। उसके बाद नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा प्लस आइकन, तो प्लस आइकन पर हम क्लिक करेंगे। जैसे हम प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको टाइम फॉर्मेट मिल जाएगा, एएम या पीएम, यानी मॉर्निंग में या फिर दोपहर के बाद या शाम को। तो जैसे हमें जो अलार्म लगाना है मॉर्निंग का अलार्म लगाना है तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे एएम। अब उसके बाद यहाँ पर टाइम सेलेक्ट कर लेंगे कितने बजे का, जैसे कि मैं सेट करता हूँ 5 बजे का। 5 बजे के बाद अगर आपको पूरे 5 बजे का लगाना है तो यहाँ पर आप 00 करोगे मिनट में। अगर आपको 5:30 या 5:20 जो भी आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर आप टाइम सेट कर सकते हैं। तो अब हमने यहाँ पर टाइम सेट कर लिया है। उसके बाद नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा रिंगटोन। अब जो भी आपको अपने अकॉर्डिंग अलार्म के रिंगटोन ऐड करनी है तो यहाँ पे आप रिंगटोन को आप सेट कर लोगे अपने अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे यहाँ पे रिंगटोन्स मिल जाएंगी। तो अब इसको हम करते हैं बैक। उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा रिपीट। अगर आपको अलार्म को रिपीट करना है यानी बार बार आपका जो अलार्म है बजे तो उसको आप रिपीट सेलेक्ट कर लोगे। अगर आप रखना चाहते हैं कि हमारा जो अलार्म है वो एक ही बार ही बजे तो उसको आप वंस करोगे। उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा वाइब्रेट वैन अलार्म साउंड, यानी जब भी आपका जो अलार्म है साउंड करे तो आपका जो फ़ोन है वो वाइब्रेट हो तो उसको आप अनेबल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको टॉप में एक आइकन मिलेगा चेक आइकन, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो अलार्म है वो क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो अलार्म है 5:15 का यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। तो दोस्तों इस तरह से आप एंड्रॉयड फ़ोन में अलार्म सेट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।